हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। ब्लाउज की लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखें, आर्मोल की भी 5.5 ही है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से देखिए 2.5 पे मार्क कर लिया, नीचे के साइड से 3 इंच लेंगे। तो जितना आप ऊपर की साइड रखते हैं उतना नीचे की साइड भी रख सकते हैं, या फिर 3 इंच रख सकते हैं। यहाँ से बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप गले की लेंथ लेंगे। तो मैं 10 इंच रख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीप पहनना हो उतना डीप रख सकते हैं गले का नेक। ये मार्किंग हो चुकी, यहाँ से डिज़ाइन का मार्क कर लेंगे। तो जैसे डिज़ाइन का मार्किंग की, अस्तर की सेम कटिंग कर देंगे गले की इसी तरीके से। तो अब इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक रखेंगे और उसके भी गले की कटिंग करेंगे, जैसे मैंने अस्तर का कट करके दिखाया, क्लियर वीडियो में देख लीजिए। तो गले दोनों फैब्रिक का कट हो चुका है, इसको बराबर में रख देंगे और एक सिलाई लगाते हुए अस्तर और कपड़े को दोनों को मिलाते हुए एक साथ में अटैच कर देंगे। तो क्लियर आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैंने गले की स्टिचिंग किस तरीके से की। ऐसे कर लेंगे, इस पर छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने से जब गले को पलट कर आप सीधा करते तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। तो छोटा छोटा कट मैंने पूरे गले पे लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा कर देंगे। अब इसको सीधा करके हाथों से थोड़ा प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे, इससे गला उभर कर दिखने लगेगा डिज़ाइन। तो फिनिशिंग मैंने दे दी है, ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए अस्तर कपड़े को एक साथ में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अस्तर कपड़े को मिलाते हुए पूरा इस पर सिलाई लगा दिया है साइड से। अब इसकी नीचे के साइड से टक्स लगानी है, तो दोनों साइड से माप लेंगे और बराबर माप लेते हुए टक्स को लगा देंगे। तो क्लियर वीडियो में देख रहे हैं, एक साइड से टक्स लगा लिया, दूसरे साइड से माप लेते हुए लगा देते हैं। तो दोनों साइड से टक्स लग चुका। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए अस्तर का एक पट्टी लेंगे, ये अस्तर का मैंने फैब्रिक कट किया है, इसको बराबर रखते हुए नीचे के साइड से जॉइंट करेंगे। तो मैं किस तरीके से कर रही हूँ देख लीजिए, ऐसे जॉइंट कर दीजिएगा। तो ये पट्टी जॉइंट हो चुकी है, इसको फैलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। अब जो ये पट्टी जॉइंट की है इसको डबल फोल्ड करना है, ब्लाउज के साथ में इसको जॉइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बनाना है। तो क्लियर देख लीजिए बॉर्डर कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर ब्लाउज़ का भी फैब्रिक थोड़ा बड़ा रखेंगे, उसको बाद में फोल्ड करके भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये मेरा ब्लाउज़ का बॉर्डर बन चुका है। ब्लाउज़ के गले पे डिज़ाइन करनी थी, इसको साइड रखेंगे और डिज़ाइन करने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी है वो मैंने 3 इंच रखी। इसको पहले 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में आपको क्लियर समझ में आएगा मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से क्रॉसिंग में फोल्ड करने के बाद इसके नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए इनको बनाना है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कुछ डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ, और सारे सभी डिज़ाइन ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो सबको बना दिए, सबको कटिंग करके अलग अलग रख लिए हैं। अब इसकी फिनिशिंग करेंगे, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड है उसे पूरा कटिंग करके निकाल के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डिज़ाइन की फिनिशिंग कैसे कर रही हूँ। तो मैंने देखिए सबकी फिनिशिंग कर दी, एक्स्ट्रा जो थ्रेड और फैब्रिक इनको साइड रखेंगे और देखिए डिज़ाइन बन चुकी है। इनके डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने मोती ले ली गोल्डन करके, दोनों डिज़ाइन के कॉर्नर को मिलाते हुए देखिए उसके ऊपर टक कर रहे हैं मोतियों को। इसी तरीके से मैं इसके आपके कुछ डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए देखते रहिए, जिसे समझ में आता नहीं डिज़ाइन में कैसे बना रही हूँ। सभी डिज़ाइन के कॉर्नर को, दो डिज़ाइनों के कॉर्नर को उस तरीके से मिलाना है ऊपर की साइड के हेड को, फिर वहाँ से मिडल की हेल्प लेते हुए अच्छे से मोती को टक कर लेना है। ये देखिए डिज़ाइन इस तरीके से मैंने कुछ बना के दिखा दी, और सारे सेम ऐसे बना लेंगे। ये मेरे कुछ डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुके हैं, ऐसे मैंने सबको बना लिया। ये देख लीजिए, अभी इसको मैं ब्लाउज के ऊपर अटैच करूँगी। तो ब्लाउज ले लिया, ब्लाउज गले के नीचे की साइड से इसको अटैच करना है।
तो एक कॉर्नर को पकड़ के डिजाइन को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इसको ब्लाउज के साथ में अटैच करते हुए स्टिच कर लेना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरा डिजाइन इस पे अटैच कर देंगे, जितनी डिजाइन आए उतनी ही आपको इस पे लगानी है। ये मैंने देखिए कुछ डिजाइन इस पे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा बचे इनको साइड रखते हैं। अब चलिए इसकी डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ से लेस यूज करूंगी, तो मैंने ये एक लेस ले लिया है। पतली वाली लेस में पहले यहाँ से गले की बिल्कुल कॉर्नर से नीचे की साइड से रखते हुए अटैच करूंगी। ये लेस अच्छे से पूरा स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल दीजिएगा और यहाँ से लॉक कर देंगे और कटिंग कर देंगे थ्रेड को। अब दूसरी लेस यूज करेंगे यहीं से और बीच में थोड़ी सी गैपिंग भी रखेंगे। चलिए मैंने ये लेस ले लिया है। लेस को बीच में हाफ इंच की गैपिंग रखते हुए फिर स्टिच करना है। अब इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टिच कर लेंगे गले पे। तो दो साइड से लेस को अच्छे से मैं स्टिच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल दिया है। तो स्टिच हो चुकी है लेस। इसको भी थ्रेड को लॉक करते हुए कट करके निकाल देंगे। अब ब्लाउज गले पे डिज़ाइन और करेंगे। इसको पहले साइड रखते हैं और मैंने देख लीजिए ये मैंने डोरी बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए कुछ फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो रखी है, लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है। और इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके 3 साइड से सिलाई लगानी है। एक साइड से थोड़ा सा जगह छोड़ रखेंगे और 2 साइड से प्रॉपरली लॉक कर देंगे सिलाई लगा के। 2 साइड से बिल्कुल अच्छे से लॉक कर दीजिएगा। 1 साइड से थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। यहीं से अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो पहले इसके कॉर्नर को सभी को कट कर लीजिएगा। अब जो जगह छोड़ रखी थी वहीं से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से पलट कर सीधा कर देंगे। और जो फैब्रिक मैंने थोड़ी सी छोड़ रखी है वहीं से अच्छे से निडल को डाल के सिर्फ कॉर्नर को निकाल दीजिएगा। और जो जहाँ से जगह है उसके फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके डालेंगे और वहाँ से सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। ये देखिए डिज़ाइन बन चुका है। इसे दूसरा भी सेम बना लेंगे। तो दोनों देखिए बन चुके हैं। इसके डेकोरेशन करने के लिए लेस लिया है। लेस को इसके बीस से स्टार्ट करेंगे लगाना, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों बीस से लगा रहे हैं लेस को। इस तरीके से 20 से स्टार्ट कीजिएगा, कॉर्नर से नहीं। फिर इसको इस कॉर्नर जितने हैं वहाँ से अच्छे से फोल्ड करते हुए लेस को अटैच कर देंगे इस पर। ये देखिए मैंने अटैच कर दिया। यहाँ से लॉक करते हुए निकाल दिया। एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल देंगे। तो एक डिज़ाइन बन चुकी है, दूसरी भी सेम बना लेते हैं ऐसे ही। तो बनाने के बाद ये डोरी ले लिया है। पहले इसको 4 पार्ट में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और बीच में एक छोटा सा कट लगा दीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा कट लगाइएगा, ज़्यादा बड़ा कट नहीं होना चाहिए। छोटा सा कट लगा देंगे। अब जो कट लगाए हैं वहीं से डोरी को अंदर डाल देंगे। देख रहे हैं जिस साइड से लेस लगा उस साइड से डोरी डालनी है और रॉन्ग साइड निकालनी है जिस साइड लेस नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक देखिए इसको ऐसे बराबर में फोल्ड करते हुए आगे की साइड से ज़्यादा फैब्रिक रखिएगा, बीच में कम फैब्रिक रखेंगे। ऐसे स्टिच करते हुए इसको एक साइड से स्टिच कर दिया, दूसरी साइड से भी सेम ऐसे सिलाई लगा देंगे। आगे की साइड से ज़्यादा फैब्रिक लेनी है, पीछे की साइड से कम लेनी है, 20 से मतलब। ये देखिए दूसरी डिज़ाइन भी बन चुकी है। ऐसे दोनों बना लेंगे। एक जो बचा हुआ डिज़ाइन उसको बना लेंगे सेम। दोनों बना लिया है मैंने। अब जो ये दोनों फ्लावर बने हुए डोरी वाले इनको पहले साइड रखते हैं। और मैंने ये ब्लाउज लिया है। ब्लाउज गले पे पहले डेकोरेट करने के लिए लेस लिए हैं। लेस को बिल्कुल साइड से इस तरीके से बराबर कॉर्नर से रखेंगे और इसके ऊपर अटैच कर देंगे। एक साइड से लेस मैंने लगा के दिखा दी, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी इसकी लेस लगा देंगे सेम। दोनों साइड से डेकोरेशन करने के बाद जो डोरी बनाई थी डोरी को ब्लाउज के गले के ऊपर की साइड से 3 इंच छोड़ते हुए अटैच करके फिर डोरी अच्छे से बांध लीजिएगा। ये देख लीजिए मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको और डिज़ाइन मेरी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।